अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, मुझे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों बारिश तो यहाँ पर गडाप में जो है स्पेशली हो रही है, अभी भी हल्की हल्की फुहार हो रही है, लेकिन जितनी सुनी थी अभी फ़िलहाल उतनी तो खैर नहीं हो रही, अल्लाह का बड़ा करम है। बाकी ये कि कल की वीडियो में मैंने देखकर किया था लास्ट में कि चैलेंज वाली वीडियो होगी आज, नसर भाई को हम देंगे चैलेंज, लेकिन मैं जब आया तो मैं फार्म की हालत देख के मैंने लगा मुनासिब नहीं है कि अभी नसर भाई को जो है ना इस तौर पे चैलेंज दिया जाए। दूसरा ये हुआ कि मौका भी नहीं लगा वीडियो मैंने स्टार्ट करने का, उसकी वजह ये थी कि विजिट पे काफ़ी लोग माशाल्लाह से आए हुए थे, क्लाइंट्स भी आ गए थे और विजिटर्स भी आ गए थे, तो फिर उसमें मौका नहीं लगा इस चीज़ के हवाले से कोई भी वीडियो स्टार्ट करने का भी ना। तो मैंने अभी मौका लगा, मैंने बोला यार अभी मैं सोचा ये कि चले जाने देते हैं, आज स्किप कर देते, फिर मैंने बोला नहीं यार वादा किया है किसी न किसी तरीके से कुछ भी हो वीडियो बना दे। तो भाई ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो पूरे फार्म की अभी फ़िलहाल जितनी लाइट्स ऑन हो सकती है, असल में मसला ये कि बादल वगैरह हैं तो सोलर भी सही चार्ज नहीं हो रहा, लेकिन ये है कि जितनी अभी फ़िलहाल अभी जिसमें काम हो जाए ना उतनी तो लाइट्स ऑन करें कम से कम, ताकि जो है वो हम लोग कुछ सही देख सकें। अच्छा यहाँ पर भी पूरी मिट्टी बिछा दी इन्होंने, थोड़ा सी इसको कटिंग कर दिया, हमारा ये रैम बनाया पता ना, फ़िलहाल ये हिस्सा कीचड़ हुआ है इस हिस्से पे फिलहाल अभी है तो मिट्टी गीली मतलब, लेकिन कीचड़ नहीं है, था इन्होंने इसे बिछा दिया। सबसे पहले आपको दिलबर की अपडेट दे दूं, और इस तरफ भी मिट्टी अंदर की तरफ बिछाई है, ठीक हो गया डोनट हमारा शेरू गया गया भाई सारे, मतलब अंदर शेड्स में पानी वानी बिल्कुल नहीं है, कीचड़ भी नहीं है फिलहाल। अब माल एक दिन रहेगा इधर ही मुस्तकिल तो फिर मुमकिन है कि, लेकिन सोचा यही है कि मिट्टी का इंतज़ाम कहीं से, अगर सूखी मिट्टी का इंतज़ाम हो जाए ना, ये अभी भी बैठा है अभी, मैं इसको आके उसकी मालिश वालिश ही कर रहा था, सेट है बहुत बेहतर है, खाना पीना चलना फिरने में भी अब चलने फिरने में बेहतरी आई है इसके, दिल भर सेट है। ये जो नया बच्चा आया था ये सीन है। बाकी हमारी आज एक हमारे जो अजमल भाई होते हैं, दिखाया था मैंने उनका जो है ना ब्रीडिंग काउस उनको दिलवाई थी, तो वो भी अभी रस्ते में है, कोई यहाँ पे पीछे कोई बहरहाल ये बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सारे खैरियत से हैं, आज आए थे अब्दुल रहमान भाई अपना बच्चा देख के गए हैं, और ये भी हमारा माशाल्लाह से एहसन का सेट है बच्चा, वो कह रहा था ना खेल डालो, मैंने नहीं भाई अभी ज़रूरत नहीं है, अभी फ़िलहाल रहने देते हैं इसको, ना खेल वखेल डालेंगे नहीं, अभी चलने देते हैं, और अभी इतना कोई है भी नहीं ख़तरनाक इस पर ना खेल वगैरह जो है ना वो हम करें। अभी सेटिंग में तो आया है, अब जाके तो सेटिंग में आया है माशाल्लाह से हमारे सलमान अंकल का, सलमान भाई का माशाल्लाह सेट है, देखते हैं क्या होता है माशाल्लाह। अस्वद आ गई, गए आ गई आएगा, उसको पता नहीं कोई आया है अभी, शायद आया ही अल्लाह जाने। बहरहाल ब्लैकी, इसका नाम ब्लैकी का मैंने सजेस्ट किया, और समीद आई गेस पता नहीं क्या कह रहा था, तो समीद इसका कह रहा था काला शाह या शाह काला, मैंने बोला यार ब्लैकी रख दो ज़्यादा बेहतर है, बहरहाल देखते हैं क्या होता है। बाकी ये बासित का ये भी सेट है, मिल्की आ गयो कल आया था वो भी तलहा, तो ये आगे हो ना तुम, तो आगे हो जाओ अकाल भाई, इनको खोल के दिखाऊंगा अगर मौका लगा ना, बारिश वारिश असल में नहीं हो तो अब खोल के दिखाएंगे दोनों को कैसे हो रहे हैं, कद वगैरह बहुत अच्छा माशाल्लाह बहुत बेहतर हो गए इनके कद, सही जो है ना वो लम्बान उठान हो गई है, ये बच्चा सही चल रहा है, अल्लाह ने अपने बच्चे बचाए सही है, छपरे वपरे वगैरह भी लीक नहीं हो रहे, नीचे भी मट्टी वट्टी नीटी नहीं बिछा दी थी, नालियाँ भी सही बना दी है ना, पानी वानी कहीं खड़ा नहीं हो रहा, देख सकते हैं शाह भी सही बैठा हुआ है खैरियत से,
माल भी खुला खुला है, ज्यादा खिंच विच नहीं हुई भी, सही हो रहा है कि सही रह रहा है। पॉक्सी थोड़ा गंदा हो गया, माशाल्लाह मक्खन मलाई माशाल्लाह से, ये बिल्कुल अकेला अलग थलग, बहुत ज़बरदस्त बच्चा है, बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ दिखा रहा है भाई, तकरीबन साल का है और माशाल्लाह अच्छी उठान लम्बान, ये सीन है। इस तरफ भी देख लेते हैं, ये भी अल्लाह करम से खैरियत से हैं, अच्छे अच्छा माशाल्लाह चल रहा है, सारे ही अल्लाह करम से सही चल रहे हैं इस मौसम के हिसाब से माशाल्लाह। बार बार दिखा देता हूँ, सेट हो भाई, चारों बच्चे एक साथ सामने आमने सामने कर, ये नूर भाई के दो, ये हैं दो, वो हैं, खड़े हो खड़े हो, दिखाओ खड़े, ये सीन है माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा भाई बाकी इस तरफ दूसरी साइड से दिखाने से पहले मैं ज़रा आप लोगों को लेके चलूँ, गाड़ी लग रही है वैसे तो, ये मतलब थोड़ी दिन की अमानत है, अब इसको सेट करेंगे इंशाल्लाह, हमने इनको असल में आप लोग सिर्फ बता ही देता हूँ भाई, सिलसिला ऐसा है कि हम लोग ना ब्रीडिंग के मामलात में ना, एक तो वैसे भी कैटल भी कुर्बानी वालों के लिए भी लेकर देते हैं, लेकिन ब्रीडिंग के मामलात में भी काउस को सेलेक्ट करके देख के वो सर्विस भी प्रोवाइड की है, तो हमारी ये देखा जाए ना अजमल भाई को तो हमने देनी थी, वो तो मतलब अपना सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको दे रहे हैं, और बाकी हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं उसमें भी हम लोग ने थोड़ा सा स्लॉट्स ऐसे ओपन किए हैं, वो यहाँ नहीं, जाहिर है पंजाब में खुद का काम जाहिर है हम लोग पंजाब में कर रहे हैं, तो वो सिलसिला भी हम लोगों ने अभी फ़िलहाल किया है, तो हमारी माशाल्लाह 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 तकरीबन मेरे ख्याल में कुछ 15 के करीब जो है ना वो इस तौर पे भी लोग जुड़ चुके हैं जिनको 15, बाकी ये 5 अलग जो हमने दे दी, इसमें भी एक का सीमेंट करके दिया है उनको और 3-4 लोग उनको खाली चाहिए थी, उनको बोला उनके एक्सपीरियंस के लिए, तो 4 उनके ऐसी है, लेकिन उनको यही बोला है कि अगर नहीं होता उनसे मामला तो हम उनके साथ हैं, कोई टेंशन नहीं है, गाय वगैरह सब चेक करके सब उनको दिए इंशाल्लाह, मतलब कोई अपने तरफ से तसल्ली है, अभी फ़िलहाल ये 2-3 दिन यहाँ फार्म पे रहेंगी, इनको सेट करेंगे फिर इनको हैंड ओवर कर देंगे, तो ये सिलसिला मैं ऐसी सरसरी सा दिखा देता हूँ इनका कि ये अच्छा ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए, तो उस हिसाब से इसमें से जो है एक उनको 5 होंगे, 5 ये तो क्रॉस भी हुई हुई है, तो ये सिलसिला यंग ही है सारी, ठीक हो गया, 5 इनको यहाँ पे 2-3 दिन हम रखेंगे, फिर इसके बाद फिर वो सेटअप पे ले जाएंगे, बछड़िया वछड़िया उतारवा के बिस्तर की तैयारी, पहले भी बिस्तर में घुसे हुए थे, ये बछड़िया उतारवा उतारते ही बिस्तर में वापस, और क्या करें भाई, हम सोने का टाइम है नहीं अभी तो, क्या टाइम हुआ है, आप लोग तो घूम लो, हम घूमने और क्या, 10 बज रहे हैं बस, 10 मिनट है, 10 बजने में अभी कौन सा सोने का टाइम है ना सर भाई, कराची में यार 8 बजे सो जाते हैं, अभी मैं हम छोड़ के जाएंगे, मोबाइल में लगे रहोगे तुम, वीडियो तुम दे, अच्छा कल के लिए तैयार हो, अगर बारिश बल्कि बारिश होगी ये तुम ये उतार देना सफेद जोड़े, ठीक है, एक वीडियो करनी है ना यार, एक बछड़ा खोलना है, खोलेंगे आज, रहने देते हैं, अभी कीचड़ हो रहा है तुम्हें घसीटेगा वो कीचड़ में, अबे नसर भाई रख में बोल रहा था ना, कहाँ खोल के लेकर आओगे, चक्कर लगा के और फिर बांध दूंगा, नहीं चक्कर तो नहीं ना, चक्कर हाँ चक्कर ही देना है, ठीक है तुम दोगे या वो, ये बस देखना है सर, ठीक है यही तो मजा है, वो तुम्हें चक्कर देगा, लेकिन अभी नहीं, अभी तो रात बहुत देर हो गई है और कहाँ लेके भागेंगे, अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो, बाकी एक ही जरा इस तरफ के बच्चों को देख लेते हैं भाई, सुनने में तो बहुत ज़्यादा बारिश है,
हमने अपने तौर पे जितना मैक्सिमम हो सकता है ना उसकी प्रिपरेशन कर ली है, बाकी जो है वो अब क्या कह सकते हैं। यहाँ की जगह भी सही कर दी थी, याद होगा यहाँ पे कीचड़ था, ये जगह भी सही कर दी इन बच्चों के लिए। बाकी जानवर अल्लाह ही करम से खैरियत से हैं, किसी में कोई किस्म की कोई भी प्रॉब्लम फिलहाल तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, सब जानवर अल्लाह ही करम से खैरियत से हैं। पहले चले इस तरह से चल लेते हैं। ओ बच्चा, यार ये बच्चा बहुत बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ में चल रहा है, अल्लाह नजरे बस से बच्चे खैर ही चल रहे, ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चल रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह से। और ये आ गया भाई माशाल्लाह हमारे जुनेद भाई का, दांत निकालना शुरू कर दिए भाई जुनेद भाई, पहला दांत निकाल रहा है ये, ठीक है बॉबी शेडो माशाल्लाह, जोड़ी भी कमाल होती जा रही है, ये बच्चा जो है ना माशाल्लाह, ये बहुत माशाल्लाह जो है ना नसर और मजीद छोड़ रहा है, नाफा झालड़ जो है ना माशाल्लाह। खड़े हो रहे हो? नहीं चलो बैठे हो, इसका तो पूरा ही कलर एक टून हो रहा है। ब्रोनो ब्रोनो अब दांत पहला निकालना शुरू कर रहा है भाई माशाल्लाह, काफ़ी लंबा और ऊंचा ऊंचा अच्छा हो गया, लेकिन लंबा ज़्यादा है। सिम्बा करो भाई, इस पे तो सब हैरान हो जाते हैं जब इसको बोलो ना भाई खीरा है। ये मेरा दोस्त भी आया हुआ था, बोले नहीं यार, मैंने बोला दांत खोल के देख ले भाई, तो दांत खोल के दिखाया तो फिर उसको इत्मीनान भी और हैरानगी भी हुई कि यार ये अभी तक खीरा है, गर्म चल रहा है कुछ दिनों से थोड़ा ज़्यादा। माशाल्लाह ये दबंग माशाल्लाह, रात का टाइम हो गया भाई, अभी बैठ के वापस उठे हैं तो गंदे हो गए दोबारा, ऐसे ही मौसम ऐसा है। मुर्शिद यहाँ पर आ चुके हैं माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त आ गया भाई हमारा करायल बगीरा, इसकी आवाज़ ही ख़त्म नहीं होती। रेड बुल था एक, रेड टाइगर था बल्कि एक वो करता था, बल्कि अभी भी वो है ना, हाँ रेड टाइगर ही नाम इनफेक्ट रखा बस बच्चे का भी इस साल, अब वो कम कर रहा है, जो पटेला भी कहते हैं कभी कभार उसको माशाल्लाह। बगीरा इसका नाम अभी तक नहीं रखा यार, कैडबरी नाम रख दें इसका, या कैडबरी बछड़ियों के लिए ही सही रहता है, इसलिए सारे एक बछड़ी दी असल में कैडबरी नाम की, कैडबरी नहीं सॉरी ब्लैकबेरी कैडबरी बोल रहा हूँ, ब्लैकबेरी भाई। ये था भाई, आप कमेंट कर दिएगा या मैसेज कर दिएगा ब्लैकबेरी डन करें, कुछ तो डन करें यार ताकि कुछ बोलना तो शुरू हो। अपना छपाटर यार, मैंने देखा कि वीडियो में मैं दिखा ही नहीं सका सही से ये है क्या चीज़ अब माशाल्लाह। खैर बहरहाल यहाँ आएंगे तो सब पता चलता कि सबको क्या चीज़ है, बारूद माशाल्लाह, इसका नाम अभी तक नहीं रहा बहरहाल माशाल्लाह। सारे लगे रंगे खैरियत से हैं, ठीक है और सारे माशाल्लाह पहले मंथ के हिसाब से अच्छे प्रोग्रेस में आए हैं, मतलब अभी मंथ तो नहीं हुआ तकरीबन इनको आए हुए हो गए, अब ये आ गए थे, ये वाले आ गए थे 8 या 9 तारीख को आ गए थे यहाँ फार्म पे, ये वाले फिर 2 दिन बाद आए थे क्योंकि ये जुमेरात को बाए हुए थे और जुम्मे को आई गेस पहुँच चुके थे, और ये इतवार को निकले थे पीर को आए थे, इनके आने के उसमें डिफरेंस है 3-4 दिन का, ठीक हो गया माशाल्लाह। इस साल ये गुलाबी का वो होगा खस्सी, पिछली दफा वो हुआ था पठान गुलाबियों में जो था, इस दफा ये होगा इंशाल्लाह।
अफलातून 2.0 हसन भाई कह रहे हैं कि इसका नाम भाई अफलातून अगर रख सकते हैं। मैंने अफलातून ये बंदा हुआ एक उसके बराबर में, वैसे अब बचा, अब ये अफलातून नहीं रहा, क्या कहते हैं इसका नाम चेंज कर देते हैं। ये देखें ये बिल्कुल जो है ना भाई साहब सीधे हो चुके हैं, ये देख रहे हैं कैसा ये सीधा खड़ा है। हालांकि अभी भी दो रस्सियों में इसको एहतियात में रखा हुआ, लेकिन बंदा भी एक ही चला लेता है, पास भी जो है ना इतने आराम से आने देता है। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है, माशाल्लाह बहुत सॉलिड कर देना। तो इसका नाम जो है हम कुछ और रख देंगे, और अगर ये इन हरकतों पे रहा इसका नाम अफलातून कर देंगे। उधर हो शाणे आओ, साये से डर रहा है। बहरहाल अभी फिलहाल नहीं छेड़ते इसको, माशाल्लाह। इसका नाम मैं वो सोच रहा था कौन सी चॉकलेट है, पता नहीं एक चॉकलेट है वो रखने का। बाकी इसके हवाले से एक न्यूज़ है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है मार्वेल के हवाले से, और बहुत ही माशाल्लाह गुड न्यूज़ है, और बहुत अच्छे भी लगेगा आपको वो न्यूज़ सुनने में, बहुत माशाल्लाह मज़ा आएगा इस बात पे अब इसको और मज़ीद पालने में। वो गुड न्यूज़ जो है ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कल की वीडियो में वो शेयर करूँ। माशाल्लाह स्टिल खीरा, माशाल्लाह क्या बात है। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, चले जी। अच्छा भाई ज़रा मैं आप लोगों को और देख अपडेट हुई है वो भी ज़रा दिखा देता हूँ। अपडेट क्या है, और मज़ीद जो बच्चे थे डक में, और डक की और हालत ख़राब हो गई ये ज़ाहिर है, तो थोड़ी शिफ्ट हो रही है, थोड़ी फार्म वन से फार्म थ्री। और तूड़ी वाले कितने की तूड़ी दी है, कितना है ये, एक मन तो होगा है ना। अच्छा ये अभी जो बछड़ियाँ आई हैं सिर्फ दे दिया इनको। अच्छा ये दो हैं, एक ये भी बल्कि तीन, बाकी कहाँ खड़ी की इन्होंने, आई गेस इस तरफ खड़ी करी। हाँ अच्छा जी वो हमारा बच्चे दिख गए थे असल में, इसलिए मैंने कट कर दिया। बाकी दो ये खड़ी पाँच हो गए। अच्छा यहाँ पर जो है वो बच्चों को मजीद कर दिया था बाहर, ये भी राजा को भी बाहर निकाल दिया, प्रिंस करीम को भी बाहर निकाल दिया जो पहले ही बाहर थी, जैन वाली बछड़ी को भी बाहर निकाल दिया। अभी फ़िलहाल बस पाडा है और ये वाले बच्चे जो हैं वो अंदर हैं, ठीक है। अब इनकी भी जगह तरतीब करके करनी है, और सामने भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सेट है, ठीक हो गया सारे अल्लाह के नाम से। इसका लाल नवाब नाम है, लाल नवाब। ये माशाल्लाह माशाल्लाह आमिर बच्चा, आज़ादी तुम्हारी जो है ना ख़त्म हो गई है जी, आज़ादी ख़त्म हो गई, लेकिन यार ये बच्चा बच्चा नहीं रहा, छः महीने के हिसाब से माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त। बाकी ये भी माशाल्लाह अच्छा चल रहा है, ये इसको अपनी ज़बान में ना बड़े नहीं बल्कि वो दूसरा बच्चा था, इसको पता नहीं ये लोग क्या नाम दिया हुआ इन लोगों ने। बहर नवाब माशाल्लाह, नवाब इज नाउ बैक। बाकी अच्छा एक गाय है आई गेस, ये खड़ी की है जो अभी आई है, यंग गाय दी है भाई, इसका नाम थ्री है। ओह टैग टैग थ्री, LCF टैग थ्री। चले जी नेक्स्ट मंथ पे सबसे पहले इसकी डिलीवरी इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है, फिर उसके बाद है हमारी रानी की, फिर ये है, यानी इनमें तकरीबन महीना 15 दिन 20 दिन महीना डेढ़ महीना हर उसमें लाइन से गैप है, तो ये सीन है उस तरीके से खड़ी की भी जाना है। इजाज़त दें, और काफ़ी लेट हम भी हो गए, ब्लॉग भी ज़ाहिर है यहाँ से लेट जब निकलेंगे तो ब्लॉग भी लेट आएगा,
बाकी ये है कि कल देखते हैं क्या होता है। कल जो है वो मौका लगता है ना इंशाल्लाह नसर भाई के साथ वो तफरी करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।